गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम वेलकम्स यू ऑल ऑफ यू इनटू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और स्वागत करता हूँ आज के हमारी इस स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन केमिकल रिएक्शन, नेम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहली रिएक्शन जो है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है बूटज रिएक्शन। बूटज रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हेन सिमिलर एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द ईथर। ठीक है, ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। सिमिलर तरह के जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो सेम तरीके से यहाँ से ये इस तरह से दो मॉलिक्यूल निकल जाते हैं सोडियम हैलाइड के, और बाकी के बचे हुए दोनों एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं इस तरह से कैसे, और क्या बनाते हैं आपके एल्किल। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैथिल क्लोराइड प्लस टू सोडियम प्लस क्लोराइड मैथिल। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर ईथर ले लिया तो दो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे और दोनों एल्किल ग्रुप आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। सेकंड रिएक्शन फिटिग रिएक्शन, सेम रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन भी वूटज रिएक्शन की तरह बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि वूटज रिएक्शन सिर्फ एल्किल हैलाइड देते हैं और फिटिग रिएक्शन एरिल हैलाइड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एरिल हैलाइड ले लेता हूँ, ठीक है, सोडियम के साथ जब एरिल हैलाइड की रिएक्शन कराऊंगा। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, हैलाइड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये आपस में ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ से दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे सोडियम हैलाइड के और दोनों के दोनों एरिल ग्रुप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। क्लोरोबेंजीन मैंने ये लिया, ये सोडियम लिया और यहाँ पर फिर से मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए मैंने और सेम तरीके से यहाँ से मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर निकल गए टू सोडियम क्लोराइड एलिमिनेट हो गए और दोनों के दोनों बेंजीन रिंग आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगी। दैट इज, इसका नाम हो जाएगा बेटा बाई एरिल। तो आप समझ गए होंगे कि बूटज रिएक्शन सिर्फ एल्किल हैलाइड देते हैं, फिटिग रिएक्शन एरिल हैलाइड देते हैं, लेकिन सेम तरीके से। थर्ड रिएक्शन बूटज फिटिग रिएक्शन, बेटा आप जैसा देख रहे होंगे कि जैसे दोनों नाम कंबाइंड हो गए, इसी तरह से इनके जो रिएजेंट हैं, रिएक्टेंट हैं, वो भी कंबाइंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक देखा कि भाई बूटज रिएक्शन सिर्फ एल्किल हैलाइड देते हैं, फिटिग रिएक्शन एरिल हैलाइड देते हैं, अब नाम को कंबाइन कर दिया गया तो इनके रिएजेंट भी कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बूटज के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे भाई, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर एरिल हैलाइड। बट याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी बताया हैलाइड सेम होने चाहिए वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन के अंदर, तो ईथर की प्रेजेंस में ही होगी ये भी रिएक्शन। बिल्कुल कंडीशन सेम है, मीडियम सेम है, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे सोडियम हैलाइड के और ये एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप जुड़ जाएंगे ऐसे और यहाँ पर ये एरिल कंपाउंड बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पर एआर की जगह बेंजीन रिंग बना दी है, बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैथिल क्लोराइड प्लस सोडियम और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्लोरो बेंजीन, बिल्कुल फिटिंग रिएक्शन की तरह वही सेम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और ये सेम एलिमिनेशन यहाँ से होगा, यानी कि टू मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के और एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये बन जाएगा आपका टॉलोइन रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर है। तीनों रिएक्शन को कराने का मेरा मकसद यही था कि तीनों रिएक्शन का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने कंबाइनली इन तीनों रिएक्शन को एक साथ पढ़ाया। फॉर एग्जांपल एक बार फिर से बता देता हूँ, वूटज रिएक्शन सिर्फ एल्किल हैलाइड शो करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि आर एक्स अगर फॉर्मूले की बात करें। फिटिग रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से होती है, सेम कंडीशन है, सेम रिजेंट है, तो वो एरिल हैलाइड देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फार्मूला लिखूँ ए आर एक्स। सिमिलरली जब इसने नाम को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है वूटज फिटिग रिएक्शन, तो यहाँ पर एल्किल एंड एरिल दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई, रिजेंट हो जाएंगे। तो तीनों के अंदर बिल्कुल आपने देखा सेम है, पैटर्न सेम है, रिएक्शन सेम तरीके से होती है, आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वूटज फिटिग एंड वूटज फिटिग रिएक्शन समझ में आ गई होगी और आइंदा कभी आप इसको नहीं भूलेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और काम को प्रोत्साहित कीजिए। नाउ दिस इज योर होस्ट संदोष, योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।